आज बच्चों बायोमोलिक्यूल्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोटीन। तो बच्चों विशेष रूप से ध्यान देंगे और बहुत ही आसान है, एक बार देखेंगे 100% आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। प्रोटीन, सबसे पहला सवाल है प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन जो है बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन इज ए बायो मोलिक्यूल्स विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी एलिमेंट प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है। एंड सम टाइम्स फॉस्फेट, अब कहता है कि प्रोटीन क्या क्या चीज से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है प्रोटीन, है ना। तो यहां लिखेंगे द चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन एज मिल्क चीज हो गया, पल्स हो गया, जितना दाल है सब में प्रोटीन मिलेगा, पल्स हो गया, पीनट, फिश, मीट, एटीसी, ये सब का सेवन करते हैं बच्चों तो प्रोटीन आपको मिलेगा। इसके बाद प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। बहुत सारा अल्फा एमिनो एसिड को मिलाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों अल्फा एमिनो एसिड है क्या, हम लोग देखते हैं। एमिनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच हैज कंटेन्स टू फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। कहता है एमिनो एसिड जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट है जिसमें दो क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप होता है। एमीन जिसको NH2 कहते हैं एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसको COOH कहते हैं, है ना। ये दोनों ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो समझिए क्या है, एमीन है, है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं COOH, है ना, CH है, R है, NH2 है, ये क्या हो गया एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और एक कौन एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड। अब सवाल है अल्फा एमिनो एसिड क्या है, तो हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड इन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एमिनो एसिड।
अब बच्चों हम लोग अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एमिनो एसिड कैसे पहचानेंगे, ध्यान दीजिएगा, हर चीज आपको आसानी से समझ में आएगा। सी डबल ओ एच है, यहाँ कर दीजिए सी एच, यहाँ कर दीजिए एच टू एन, है ना, और यहाँ क्या कर दीजिए सी एच टू, है ना। अब यहां से कौन दीजिए एक कार्बन, यानी सी डबल ओ एच के बाद वाला जो कार्बन होगा अल्फा एमिनो एसिड, है ना। इसके बाद सी डबल ओ एच है, सी एच टू है, सी एच टू यहां NH2 कर दीजिए। अब काउंटिंग कीजिए, यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ देंगे, इसके बाद फर्स्ट कार्बन है ये अल्फा हो गया, सेकेंड कार्बन पर NH2 है ये बीटा हो गया, यानी अल्फा बीटा। अब गामा को देखते हैं, सी डबल ओ एच है, सी एच टू है, सी एच टू है, सी एच टू है, यहां कर दीजिए NH2। अब देखिए ए हो गया अल्फा, ए हो गया बीटा, ए हो गया आपका गामा, है यही है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा एमिनो एसिड। अब हम लोग देखेंगे ओनली अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड इज ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय द हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। कहता है केवल अल्फा एमिनो एसिड ही प्राप्त होगा जब प्रोटीन को का जो है जल अपघटन करेंगे, है ना। अब हम लोग बच्चों ध्यान देंगे, फिर से एक बार बनाते हैं, सी एच है, सी डबल ओ एच है, एन एच टू है, आर है, है ना। ए जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, है ना। ए जो है रिप्रेजेंट करता है एसिडिक नेचर को, एसिडिक नेचर को, है ना। एन एच टू है, एन एच टू जो है रिप्रेजेंट करता है बेसिक नेचर को, बेसिक नेचर। आर जो है साइड चेन, और साइड चेन में जो है एलिफैटिक भी दे सकते हैं और एरोमेटिक भी आप दे सकते हैं। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों इसमें NH2 भी है और सी डबल ओ एच भी है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है और दोनों है, तो कैसे समझेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो यहां ध्यान देंगे। कहता है NH2 की संख्या अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा है तो ये जो है बेसिक नेचर को शो करेगा, है ना। अगर NH2 की संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कम है तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका एसिडिक नेचर, और दोनों बराबर है, यानी NH2 बराबर सी डबल ओ एच, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और एम्फोटेरिक किस सिचुएशन में होगा तो हम लोग ध्यान देंगे, सी एच है, यहां कर दीजिए एन एच टू, और यहां कर दीजिए सी डबल ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहां कर दीजिए आर अल्काइल ग्रुप। अब इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है प्रोटॉन को लॉस करता है और एमीन ग्रुप क्या है प्रोटॉन को गेन करेगा, यानी ए जो है बच्चों प्रोटॉन को लॉस करेगा, है लिख दीजिए लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, और ए क्या करेगा गेन, गेन ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो यहां क्या बन जाएगा रिवर्सिबल कर दीजिए R सी एच सी ओ ओ माइनस, और यहां कर दीजिए NH3 प्लस, यानी
एक ही मॉलिक्यूल्स में एक लॉस कर रहा है प्रोटॉन को, दूसरा प्रोटॉन को गेन कर रहा है, यानी कि क्या बन जाता है, डायपोलर आयन, जिसको हम लोग कहते हैं ज्विटर, ज्विटर आयन कहते हैं, है ना। अब कहता है ज्विटर इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड, सो द एम्फोटेरिक बिहेवियर इट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस। ये जो है एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। बच्चों यहां तक नोट किया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ईच एमिनो एसिड इज लिंकेड विथ पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अब बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड क्या है ध्यान देंगे, ये जो है सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एच कर दीजिए एच टू ए, इसका नाम है बच्चों ग्लाइसी है, और इसको जो है जोड़ना है NH2 हो गया, यहां कर दीजिए CH3 COOH, इसका नाम है एलानी है ना। दोनों जो है अल्फा एमिनो एसिड है, अब यहां से ये दोनों को अगर जोड़ते हैं तो दोनों के बीच एक वाटर मोलिक्यूल्स, यानी यहां से OH और यहां से AH, यानी एक वाटर मोलिक्यूल्स क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और यहां जो बॉन्ड बनेगा, यहां जो बॉन्ड देख रहे हैं वो बनेगा एमाइड, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब लिख दीजिए CH2 कर दीजिए CO, और यहां क्या कर दीजिए HNCH3COOH, इसी को कहते हैं एमाइड, CONH2 पढ़े एमाइड ग्रुप, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, यानी सभी अल्फा एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब बच्चों अगर दो एमिनो एसिड है ना, तो क्या हो जाएगा, डाइपेप्टाइड, तीन एमिनो एसिड है, क्या हो जाएगा,
ट्राइपेप्टाइड, पेप्टाइड, चार एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, अरे तो क्या हो जाएगा, टेट्रा टेट्रा पेप्टाइड, पेप्टाइड पांच है, पांच एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, क्या हो जाएगा, पेंटा पेप्टाइड, पेप्टाइड। और इसी तरह से 10 से ज्यादा एमिनो एसिड है, लिंकेज है, 100 से कम है, और तब वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। यही है बच्चों आज का टॉपिक, प्रोटीन। और अगले वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। इसी के साथ